विदेशों के बाद अब हिंदुस्तान भी कोरोना वायरस की चपेट में है। हिंदुस्तान के लगभग हर प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं की पड़ताल की और जानना चाहा कि इस महामारी से प्रतापगढ़ कितना महफूज है। बातचीत के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वह बाहर से आने वाले लोगों की विशेष जाँच करवा रहे हैं। बस अड्डों पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। अब तक 3000 से अधिक लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है, खासकर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही आशा वर्कर एवं ग्राम प्रधानों को भी सूचित किया गया है कि जो भी लोग बाहर से आए उन पर विशेष नजर रखें और प्राथमिक विद्यालय के साथ अन्य सुविधापूर्ण स्थानों पर रुकने एवं खाने पीने की व्यवस्था करें। कल रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे टीमें लगा करके हम लोग जाँच कराए। रेलवे स्टेशन पे 3 ट्रेन आई थी, जिससे काफ़ी मात्रा में 1234 लोगों को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई थी। इसके अलावा भी बस अड्डे पे और कुछ जगहों पे रात में बस से कुछ लोग जा रहे थे, उनको रोक करके बस अड्डे पर ले आकर उनकी स्क्रीनिंग की गई। एक बस हमारी सीधे जिला अस्पताल में आ गई थी, उसकी स्क्रीनिंग की गई। कुंडा के डॉक्टर साहब और IR स्क्रीनिंग किए। लगभग 2500 के आसपास लोगों की कल स्क्रीनिंग एक दिन में हुई है। इसके अतिरिक्त पहले भी कुछ लोग आए हैं जिनकी कि होम क्वारंटीन में रख करके उनका जो है डायरेक्ट निगाह बनाए रखा जा रहा है। ये भी जो लगभग 2500 के आए हैं, लगभग 1500 के आए हैं, लोग 1500 उनकी भी लगातार स्क्रीनिंग करके घर पे ही रखने की सलाह दी गई है। अकेले में रहें, वो क्वारंटीन का पालन करें, लोगों से मिले जुले नहीं, और कोई लक्षण आता है तो तुरंत दूरभाष पे सूचना दें।